भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स वादी का 16वां राज्य सम्मेलन सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा जनता का आपसी भाईचारा व सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों की कड़ी निंदा करता है और सांप्रदायिक नफरत बढ़ाने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करता है। भारत भाजपा और आरएसएस के संगठन लगातार योजनाबद्ध ढंग से सत्ता के संरक्षण में देश की सांझी संस्कृति, सांझी विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव पर हमले कर रहे हैं। विभिन्न आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिक व जातीय रंग देने, भावनात्मक मुद्दों को उछालने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम जोर शोर से हो रहा है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जात, धर्म, क्षेत्र के नाम पर लव जिहाद, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण आदि के हवे खड़े किए जा रहे हैं। गौर तस्करी, बच्चा चोरी आदि के नाम पर मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं। भाजपा के सत्ता में आने के बाद सांप्रदायिक तनाव व सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों के मामले 2019 के मुकाबले लगभग दुगने हो गए, जबकि कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों की वजह से भारी गतिविधियां बेहद सीमित थीं। साल 2020 में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 857 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2019 में ऐसे मामलों की संख्या 438 व साल 2018 में 512 थी। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा लोगों को पहले जाति के आधार पर बांटने की कोशिशें की गई और अब धर्म के नाम पर जहरीली सांप्रदायिक मुहिम चला रखी है। विशेषकर दक्षिण हरियाणा के मेवात क्षेत्र को सांप्रदायिक ताकतों ने अपने निशाने पर लिया हुआ है। पिछले कुछ समय से भाजपा और आरएसएस के नेताओं की सरपरस्ती में दक्षिण हरियाणा में हिंदू महापंचायतों का दौर चल रहा है। पहले 30 मई को नूह जिला के इंद्री में और 4 जुलाई को पटौदी में धर्म के नाम पर महापंचायत की गई। इन पंचायतों में सरेआम कानून और समाज की रवायतों की धज्जियां उड़ाते हुए बेहद भड़काऊ भाषण दिए गए और इलाके का आपसी भाईचारा और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। आम लोगों, सामाजिक संगठनों और CPIM द्वारा प्रशासन व राज्य सरकार को बार बार शिकायतें देने व कानूनी कार्रवाई की मांग किए जाने के बावजूद भी भड़काऊ भाषण देने वालों में से एक गोपाल शर्मा को छोड़कर किसी पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि दोनों पंचायतों की सरपरस्ती करने वाले व बेहद जहरीले भाषण देने वाले सूरजपाल अम्मू को भाजपा ने इनाम स्वरूप अपना मीडिया प्रवक्ता बना दिया। CPIM का यह राज्य सम्मेलन मांग करता है कि राज्य में बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं और सांप्रदायिक लामबंदियों पर रोक लगाई जाए। सांप्रदायिक हिंसा व नफरत भड़काने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पार्टी यह भी आह्वान करती है कि भाजपा आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आम जनता में मुहिम चलाई जाए। साथी सहनवास, अगले जो हमारे वक्ता है साथी रोहतक से नरेश, 5 मिनट है। समर्थन करते हुए कुल मिला के इस प्रस्ताव में जो आज के इस माहौल की सेंस और अच्छी गई और कुल मिला के हम लोग सभी जानते भी हैं कि जो बीजेपी का मुख्य कैरेक्टर है लोगों को आपस में लड़ा के राज करने का, कुल मिला के 14-14 दिन बाद जो देखते हैं तो मुस्लिमों को एक मतलब दुश्मन की तरह स्थापित किया गया है। इसलिए हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोरोना काल में जो हमने देखा मरकज के ऊपर पूरे देश में इतने बड़े स्तर के ऊपर राजनीति हुई, मतलब जहाँ बहुत माइनॉरिटीज के अंदर भी कुछ परिवार है वो भी खौफ के अंदर, भय के अंदर जीवन जीने को मजबूर हुए हैं। इस मुद्दे के ऊपर हमें थोड़ा सेंसिटिव रूप से काम करते हुए इसे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपसे सामाजिक सद्भाव की भी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। साथी नरेश।